वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल इट्स अरू टाइम तब सभी को पता होगा हम टेंसिस के टॉपिक पढ़ रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेनजडे हमारे ग्रामर की क्लास होती है थर्सडे और फ्राइडे को वक़ और सैटरडे को प्रीवियस ईयर पेपर माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि सैटरडे का सेशन नहीं ले पा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आ पा रहे हैं बट अब इस हफ्ते से मंडे है नई शुरुआत हुई है मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे सैटरडे भी आपको पी, पी मिलेगी जो हम सीजर के इसी साल के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉमेंट कीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डेफिनेटली मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी मैं रिप्लाई नहीं करती मेरी टीम आपको रिप्लाई करती है चाहे वो मैसेंजर हो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप्स हो क्लियर है अगर आपको कोई भी डाउट पर्सनली पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आपका जनमन डाउट होगा और कॉमन डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लास के अंदर ही क्लियर करूंगी अगर थोड़ा बहुत बता पाऊंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर कोशिश करूंगी बता दूँ बट अगर आपका जनवन डाउट होगा रिलेटेड टू स्टडी पूछे गुड मॉर्निंग हाय हेलो अगर करोगे तो नो रिप्लाई आपको कोई नहीं रिप्लाई मिलेगा इस बात को ध्यान रखिएगा आपको अगर सच में पढ़ना है चीज़ें अच्छे से करनी है और अगर आपकी समस्या है इंग्लिश कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं वेदर इट इज़ एस एस सी सी या सी पी ओ एस आई इस चैनल या आप बात करें एम टी एस की या बात करें सी पी ओ एस आई दिल्ली पुलिस के लिए या आप लगते हैं बैंकिंग के अंदर आर की आर की एस की पी की क्लर्क की आर एग्ज़ाम होता है ना रीजनल रूरल बैंक का उसके लिए तो जो भी एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है सी हो गया कमांड डिफेंस सर्विसेज़ आपका एफ कैट का पेपर असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया तो जिसके अंदर भी इंग्लिश का सेक्शन आता है तो उसको आपको निग्लेक्ट नहीं करना है और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है टीसीएस पैटर्न बेस्ड हैं चीजें आप मेरी क्लासेस को सात दिन रेगुलर देखिए ईमानदारी से देखिए वीडियो बिना स्किप करे देखे और मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आप सात दिन रेगुलर देख लेंगे तो आपका पढ़ाई में मन ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा एक दिन पढ़ने से कभी टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता आप मुझको जज नहीं कर सकते आप मुझे क्या किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते आप सिर्फ जज इतना कर सकते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा और अगर सच में आपको क्लासेस अच्छी लग रही है जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका टीचिंग में बहुत अच्छा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में किया करें व्हाट्सएप की बजाय मैं आपको जहाँ रिप्लाई देती हूँ वो व्हाट्सएप सेक्शन है बाकी जगह पर हमारी टीम बैठती है बट मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बिजनेस अकाउंट है राहुल टीम मेम्बर वो संभालते हैं जो आपका जनवन डाउट होगा गया जो बहुत ही ज़्यादा वो हैंडल नहीं कर पाते उन डाउट्स को पर्सनली मैं लेती हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा तो फटाफट फड़ से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसिस जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं पास कॉन्टेस्टेंस वर्सेस पास परफेक्ट कॉन्टेस्टेंस बताया था ना पेयर में आता है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और सिंस और फॉर अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेस्टेंस लेके मैं डलवा दूंगी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप जाके सिंस और फोर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है मेंस के अंदर चाहे सी की बात की जाए सी की बात की जाए दो नंबर की इंग्लिश है नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता फिफ्टी मार्क्स अगर प्री के जलो ढाई सौ ढाई नंबर की इंग्लिश है और अगर भाई कमांडेंट का पेपर बात करें तो थ्री मार्क्स की इंग्लिश है तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। और अगर सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं हो पा रहा है तो यू। आप दिन लगातार क्लास देखिए, आपको एक टेस्ट में वाज़वर और आता है। यहां पर भी काम कंटिन्यू है मैं पढ़ा रही थी मैं खाना खा रही थी मैं पढ़ रही थी मैं सो रही थी मैं जा रही थी आ रही थी और यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट भी है काम हैड बीन आएगा यहाँ वॉजवार आएगा यहाँ हैड बी आएगा आई जी यहाँ भी आएगी आई जी यहाँ भी आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ भी आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ बट यहाँ टाइम है जब आपका कंटिन्यूस है तो वर लगाएंगे जब कंटिन्यू भी है और टाइम भी मैंशन है तो हैड बीन और आपका सेंसॉर फोर आ जाएगा एग्जाम्पल देती हूँ मैं सुबह से पढ़ा रही थी अब सुबह से पढ़ा रही थी कंटिन्यू है और कब से सुबह से तो क्या बोलोगे आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग और अगर मैंने बोला मैं पढ़ा रही थी आई वाज टीचिंग मैं खाना बना रही थी आई वाज कुकिंग फूड मैं दोपहर से खाना बना रही थी आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड या आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर द लास्ट 4 आवर फॉर द लास्ट 3 आवर्स या सिंस आफ्टरनून जो भी आपको मेंशन होगी वहाँ पे हिंदी कि टाइमिंग सेंस की टाइमिंग सिंस फॉर की आ रही है क्या उसको देखते हुए करेंगे अब मैंने यहाँ बोला मैं पढ़ रही थी आई वॉज स्टडिंग मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ रही थी आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग आर यू गेटिंग समझ आ रही है ये वही चीज़ है जो अगर प्रेजेंट की बात करें तो इजाम लगता है पास की बात या हैज बीन लग जाता है बाकी स्ट्रक्चर में और कोई गड़बड़ नहीं है ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे इतनी बात क्लियर हो गई होगी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ आप लिख लीजिएगा क्या आप हेडिंग डालिएगा पास कॉन्टेंसटेंस इसमें होती है है ना कंटिन्यू है काम क्या है इसमें काम कंटिन्यू रहता है है ना कंटिन्यू रहता है मतलब कैसे जैसे मैंने बोला पास्ट के अंदर है ना अगर बात करें तो कैसे मैं पढ़ा रही थी आई वॉज टीचिंग लिख लिया क्या लिखा मैं पढ़ा रही थी आई वॉज टीचिंग क्लियर अब यहां पर लिखिएगा थी मैं सुबह से पढ़ा रही थी अब इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग लिख लिया एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा आपने नोट्स बनाते वक्त आप इसको ऐड कर लीजिएगा क्या मैं पढ़ रही थी आई वॉज स्टडिंग मैं पढ़ रही थी आई वॉज स्टडिंग मैं सुबह से पढ़ रही थी मैं सुबह से पढ़ रही थी आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा मैंने इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के अंदर है ना अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं आपको एक चीज़ क्लियर होगी क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है बट आपको और अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको हिंदी बोल दी और इंग्लिश भी ताकि आप अच्छे से लिख पाए और नोट्स बना पाए और बहुत अच्छे से आप मुझसे पूछते हैं मैम ग्रामर की बुक बता दीजिए कोई बढ़िया सी तो मैं आपको कहती हूँ जो आप मेरी क्लास के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगी और जो आप नोट्स तैयार करेंगे वो आपके हाथों में होगी दुनिया की सबसे बेहतरीन नोटबुक बुक तरीन शानदार किताब आपके हाथ में होगी आपके खुद के बने हुए नोट्स आपकी ही जबानी क्लियर है आगे चलें, ठीक है अब कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ तक तो ठीक है समझ भी आ गया भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और दो ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर देखो सेंटेंस फर्स्ट है यहाँ सेंटेंस सेकंड है एक तरफ सेंटेंस फर्स्ट है एक तरफ सेंटेंस सेकंड है दोनों तरफ काम कंटिन्यू चल रहे हैं वो हमेशा एक्शन क्या गोइंग ऑन था पास्ट के अंदर तो कंटिन्यू से बनेगा पास्ट है तो पास्ट कॉन्ट्यूस से बनेगा कैसे आई वॉजिंग मैं डांस कर रही थी वाइफ माई फादर वॉज गोल्डिंग माई सिस्टर जब मेरे फादर क्या कर रहे थे मेरी सिस्टर को डांट रहे थे ऐसा होता है ना मम्मी खाना भी बना रही है अपने डांट भी रही होती है तो माम एस कुकिंग फूल वायल Having, scolding us. हमको डांटते वक्त वो क्या करी थी डांट भी रही थी और खाना भी बना रही थी हमें डांस भी करी थी मजे आ रहे थे ना भाई पिट रहा है भाई को डांट पड़ रही है और पापा भाई को डांट रहे थे एक समय पर जो दोनों काम कंटिन्यूस होते हैं पास्ट के अंदर तो वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस वॉश के साथ स्कूल है वॉइस के साथ डेंसिंग है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपसे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी आगे की तरफ मूव ऑन कराऊंगी बट उससे पहले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट शॉट सो हम आगे स्टार्ट करेंगे आपके साथ दो सेंटेंसेस को एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और यहीं पर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा और इसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज ही की क्लास में वो है फ्यूचर और आज फ्यूचर को कंप्लीट पढ़ लेंगे चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीनियस हो फ्यूचर परफेक्ट हो और आपको मैं बता दूँ आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं वो आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और वीडियो को बिना स्किप करें देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करें अब लिखा है वॉक वॉज गॉक वॉज ऑन मतलब वॉक कंटिन्यूस है मतलब कंटेस्टेंस में आएगा और वर्क फिनिश हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा पढ़ते हैं वाइल आई वॉज टीचिंग यू जब मैं आपको पढ़ा रही थी माई सिस्टर कॉल्ड या हैड कॉल्ट मी अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग देखो मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया माई सिस्टर हैड कॉल्ट मेरी सिस्टर ने मुझको बुलाया हिंदी में तो कॉल्ड भी ठीक लग, लग रहा है हेड कॉल्ड भी ठीक लग रहा है बट अगर कॉन्सेपचुअली इस चीज़ को समझेंगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी पास्ट एंड एफर्ट वो होता है जो काम हुआ हो पास्ट में और कन्फर्म हो कब हुआ और हेड कॉल मतलब पास्ट परफेक्ट तब आता है जब पेयरिंग में कि काम पहले कंप्लीट हुआ है क्या यहाँ पर ऐसे कोई एक्शन है कि पास्ट का भी पास्ट शो हो रहा हो नहीं है क्या है कि जब मैं पढ़ा रही थी मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया तो था मगर कब जब मैं पढ़ा रही थी बुलाया था पास्ट है और कंफर्म है कब बुलाया था जब मैं पढ़ा रही थी तो ये कंफर्मेशन है इसलिए कभी भी हेल्ड कॉल नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए आता है मेरे बच्चों अर्लियर पास्ट के लिए आता है है ना तो इसलिए नहीं आएगा और ये क्यों ठीक है क्योंकि मैंने बताया था पास्ट इनडेफिनेट के अंदर अगर आपने पढ़ा हो और नहीं पढ़ा तो इसको पढ़िएगा क्या बहुत अच्छे से देखिएगा इसको वीडियो को क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी तो आपके लिए क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टॉपिक को कंप्लीट करना और बाकी बच्चे नाराज़ होंगे कि पुरानी वाली क्लास रिपीट क्यों कर रही है मैम क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं अब जिन्होंने नहीं देखा वो पास्ट इन एफर्ट को देखना फिर भी मैं बता देती हूँ अर्लियर पास्ट वो होता है जो पास्ट का भी पास्ट हो पास्ट से भी पहले वाला पास्ट वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और यहाँ क्या है जो काम ख़त्म हो गया और कब हुआ है तो काम खत्म हुआ कि उसने मुझको बुलाया काम कंप्लीट पास्ट में हुआ और दूसरी बात कब बुलाया जब मैं पढ़ा रही थी तो पता हो काम पूरा हो चुका है और कब पूरा हुआ है तो पास्टर में लिखा जाता है इसको और डिटेल में समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं क्लास को आगे चले वायल पूजा वॉज कुकिंग फूड जब पूजा खाना बना रही थी

कब जल गया था कन्फर्म है जब वो खाना बना रही थी जो काम हुआ भी हो और कन्फर्म हो कब हुआ है वो पास से डेफेक्ट में लिखा जाता है इसलिए बर्न होगा हैड बॉन्ट और वॉच बर्निंग नहीं होगा तो आपको ये क्लियर हुआ होगा आज किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो पास्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ जाइएगा नहीं क्लास को छोड़ के बीच में क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी फ्यूचर को बट तो उससे तो पहले आपको छोटा सा काम करना है क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करनी है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप देखेंगे फ्यूचर टेंस को जैसे कि आपको पता है गागे की ऐसे ही आपने पढ़ा होगा गागे की आता है तो विलशेल आता है आपने पढ़ा है और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आगे ले जाके दिखाऊंगी कि हिंदी निकलेगी गागे गी फिर भी हम इंग्लिश में विल और शल नहीं लगाएंगे तो इसके लिए करना क्या है कुछ नहीं बस क्लास को एंड तक देखना बिना स्किप करें आपके सारे जवाब सारी दुविधा क्लियर हो जाएगी फ्यूचर डिफर टेंस की फॉर्मेशन की बात करूं सब्जेक्ट होता है विल शेल होता है विल शेल मतलब मॉडल मॉडल अपनी फर्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल अदर सब्जेक्ट के साथ विल अब यहां पर जैसे मैंने बोला आई शेल क्रैक दिस एग्जाम या दिस सीजल तो ये वाला सीजल मैं क्रैक कर लूंगी ये वाला सीजल मैं क्रैक कर लूंगी तो यहां पर ये जो शेल है, ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है बेटा क्या है हेल्पिंग वर्ब है आई के अकॉर्डिंग आ रहा है कि क्या आई के अकॉर्डिंग हमने शेल पढ़ रखा है बिल्कुल ठीक ये सेंटेंस हंड्रेड वन परसेंट करेक्ट है पर जैसे मैं बोलूं I will crack this seal. अब इसकी हिंदी ये नहीं है आपकी है ना यहां पर ये जो विल है ये दिखने में जरूर विल लग रहा है आई के साथ तो शिल आता है ना पर जब आई के साथ विल आ जाए तो इस विल का मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है पहली बात। तो ये दिख जरूर रहा है दिखने में क्या है दिखने में तो आई के बाद क्या आती है शल आती है बट मैं लिख रही हूँ वी इसका मतलब दिखने में हेल्पिंग वर्ब है लेकिन एम्फेसाइजर है दिखने में तो क्या है हेल्पिंग वर्ब है वेल मगर है क्या एम्फेसाइजर और इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हो जाएगी जरूर है ना मैं एस एस सी सी का एग्ज़ाम ये वाला ज़रूर क्रैक करूँगी तो यहाँ पर बात को जोड़ दिया जा रहा है जिन वाक्यों में जोड़ दिया जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्सचेंज हो जाती है आई के साथ शेल आता है तब तो ठीक है कि मैं कर लूँगी पर जब मैं यहां पर इंफेसाइज करना चाहती हूं कि मैं इस बार वाला सीज़न जरूर क्लियर कर लूंगी तो वहां पर मुझे शल का इस्तेमाल नहीं करना किसका इस्तेमाल करना है विल का मैं जाऊंगी आई शेल गो ठीक है और मैं बोलू आई विल गो मतलब मैं जरूर जाऊंगी मैंने बोला आई शेल टीच मैं पढ़ाऊंगी आई teach. मैं जरूर पढ़ाऊंगी मैं पढ़ूंगी आई शेल स्टडी मैं जरूर पढ़ूंगी आई विल come. मैं आई आऊंगी है ना तो विल लगाएंगे और मैंने बोला मैं आऊंगी आई शेल कम तो विल कब आता है जब जरूर मतलब एम्फेसाइजर वो हेल्पिंग वर्ब दिखने में ही है मगर एक्चुअल में वो हेल्पिंग वर्ब है नहीं वो क्या है बेटा जी एम्फेसाइजर है जिसकी हिंदी होती है क्या जरूर कि मैं ये काम जरूर कर लूंगी मैं सुबह चार बजे उठूंगी आई शेल अप फॉर ए एम बट मैंने बोला मैं सुबह चार बजे जरूर उठूंगी तो आई विल गेटअप फॉर ए एम कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ तो आई के साथ विल भी ठीक है और शेल भी ठीक है ये भी हंड्रेड वन परसेंट करेक्ट है अब एक समस्या और आती है लोगों के साथ क्या जैसे मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आई शेल या फिर आई विल नॉट गो टू अमेरिका मैं अमेरिका नहीं जाऊँगी ना यहाँ पर देखो जो भी एम्फेसाइजर होते हैं वो नॉट के साथ कभी नहीं आते ध्यान रखिएगा एम्फेसाइजर कभी भी नॉट क्योंकि एम्फेसाइजर का मतलब पॉजिटिव वे में होता है ठीक है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है तो एम्फेसाइजर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं क्लियर है मेरी बात तो यहाँ पर आई के अफॉर्डिंग क्या आता है आता है ना नॉट के साथ कभी भी इम्फेसाइजर का इस्तेमाल नहीं होता मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी ये थोड़ी बोलूंगी मैं जरूर अमेरिका नहीं जाऊंगी जरूर तो कब लगाते जब पॉजिटिव बात लगातार करना ही, करना ही रहेंगे तब इम्फेसाइजर आएगा विल आएगा और यहाँ पर नहीं की बात हो गई और इम्फेसाइजर हमेशा पॉजिटिव वे में आता है तो यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है तो विल नहीं आएगा इस बात को क्लियर रखना अपने दिमाग में क्लियर है फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। अब थोड़ा सा क्लास को आगे देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं कि आई डैश टू शिमला नेक्स्ट वीक गो आएगा या विल गो मैम इज बिजी नाउ इटना ओके आई डैश वेट वेट करेंगे या विल वेट इस तरीके से आपको मुझे बताना है बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ यहाँ पर छोटी सी बात समझेंगे ठीक है बट कॉन्सेप्ट लिखने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करती भविष्य फ्यूचर बात हो रही है जब हम बात करते हैं ना जैसे हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ती है गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हमसे मैम पूछती हैं बेटा कहाँ जा रहे हो इस बार गर्मियों की छुट्टी में हिंदी में मैम क्या बोलती है ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कहाँ जा रहे हो इन गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जा रहे हो भाई इन गर्मियों की छुट्टी में तो मैम आपसे क्या बोलना चाह रही हैं कि फ्यूचर में गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है एक दिन में तो कहाँ जाओगे है ना क्योंकि अभी छुट्टी में गर्मियों की छुट्टी में हम जाएंगे बट हिंदी में गागेगी नहीं बुला इसका मतलब जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम खुद हिंदी भी गलत बोलते हैं एक छोटी सी बात बताते हैं जब छोटा बेबी पैदा होता है और वो की बोलना शुरू करता है तो तुम एक सेंटेंस भी पूरा हिंदी में नहीं बोलते माँ मुझे पानी दे दो तुम क्या बोलते हो मम बोलते हो एक एक शब्द तो ऐसे ही आपको इंग्लिश भी आएगी धीरे धीरे करके राइट तो हमें क्या करना है वहाँ पर मैम बोलते हैं मैम हम नानी के घर जा रहे हैं हम शिमला जा रहे हैं इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम तो अपनी मौसी के घर जा रहे हैं हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं पहला एग्जांपल फ्यूचर की बात हो रही है और हिंदी में जा रहे हैं जब कोई नया बैच स्टार्ट होता है तो क्या बोला जाता है नया बैच है ना शुरू होने जा रहा है वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच आर गोइंग फ्यूचर की बात हो रही है बात समझ आई वी आर गोइंग टू ओपन न्यू ब्रांच वेरी सुन हम नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं या फिर बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही एग्जैक्ट uh, जो मैं आपको बता पाऊं जब आप टीवी के अंदर कुछ आने वाला होता है तो वहां पर आपने लिखा हुआ जरूर देखा होगा Coming soon. अब ये तो है भविष्य में जल्द ही आने वाला है फिर आईएनजी क्यों वेलकम क्यों नहीं लिखते कमिंग सून क्यों लिखते आईएनजी फॉर्म क्यों लिखते हैं कि तो भविष्य में आएगा या मैं बात करूं 2020 में ओलंपिक होने जा रहे हैं ओलंपिक होएंगे नहीं होने जा रहे हैं ये एक और एग्जांपल देती हूँ आपकी सपोज करो जयपुर की ट्रेन है और बाय मिस्टेक वो जयपुर की ट्रेन छूट गई तो आप टिकट काउंटर पे जाते हैं और पूछते हैं एक्सक्यूज मी सर या मैम जो भी वहाँ टिकट काउंटर पे बैठे होंगे कि नेक्स्ट ट्रेन कब की है कब की होगी नहीं पूछते क्या पूछते हैं नेक्स्ट ट्रेन कब की है नेक्स्ट बस कब की है नेक्स्ट फ्लाइट कब की है तो बोलते हैं कि मैम आज कोई फ्लाइट नहीं है अगर नहीं होगी तो कल सुबह दस बजे की फ्लाइट है मम्मी जल्दी कर लो तैयारी कर लो क्योंकि कल सुबह पांच बजे की ट्रेन है होगी नहीं बोलते कुछ कुछ बातें हिंदी से क्लियर हो रही होंगी है ना तो ऐसे काम जो नियर फ्यूचर हैं भविष्य के अंदर बहुत ही पास है है ना जैसे हम बोलते हैं ना वी आर गोइंग टू शिमला अरे वो भी छोड़ो बहुत ही आप एक कॉमन एग्जांपल बोलते शाम की शादी तो क्या यार आज तो हम शादी में जा रहे हैं आज तो हम शादी में जा रहे हैं भविष्य में जाएंगे शाम को तो जो नियर फ्यूचर एक्शन होते हैं जो बहुत ही पास है जो बिल्कुल प्लान है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट कॉन्टेक्स में लिखे जाते हैं अब इसका एक प्रूफ भी दे देती हूँ मैंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं आपको इस बात को साबित करने के लिए गा गे घी अगर हिंदी निकलती है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वे और आएगा ये बात तो समझ पा रहे हैं ना हिंदी में बहुत सारी जगह दिखाया मैंने क्या वेल और गए कि हिंदी नहीं बोलते भाई हिंदी भी हमें सही से बोलना नहीं आती एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपने ट्वेल्थ क्लास सी बी एस ई बोर्ड से पास की होगी तो फ्लैमिंगो की बुक होती है ग्रीन कलर की बुक होती है पक्षी बना होता है बड़ा सा और पहला चैप्टर होता है लास्ट लेसन उसमें कहानी ये थी कि फ्रांस जर्मन से हार जाता है और वहाँ फ्रेंच पढ़ाई जाती है तो फ्रेंच बंद करके जर्मन पढ़ा रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ के जो टीचर एम हेमल होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं तो बड़े दुखी मन से कहते हैं कल से नए फ्रेंच आपको नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन पढ़ाई जाएगी कल से नए मास्टर आएंगे कल नए मास्टर आएंगे कल से आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी कल से हम जर्मन पढ़ेंगे कल नए मास्टर आएंगे है ना इसकी हिंदी लिख देती हूं जब आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो ब्लॉक दिख रहा होगा आपको ये पेज दिख रहा है क्या लिखा है कल नए मास्टर आएंगे और हिंदी क्या है द न्यू मास्टर कम्स टू मोरो है ना यहां देखिएगा एक बार जब क्या लिखा है न्यू मास्टर विल कम टू अगर एस आपको टुमोरो दे दे तो आप बोलोगे टुमोरो मतलब जब कहानी नहीं पढ़ी होगी तो विल हटा दोगे और टुमोरो क्यों क्योंकि विल सही लगेगा आपको मगर जब आपने कहानी पढ़ रखी होगी तो विल आप हटा के क्या कम के साथ क्या लगा दोगे कम्स लगा दोगे क्यों न्यू मास्टर थर्ड सिंगुलर उसके अकॉर्डिंग ऐसा आता है अब कह रहे हिंदी में तो ऐसे ई एस मतलब जब हिंदी निकाल रहे हैं तो गा गे गी की हिंदी आ रही है मगर फिर भी मैंने क्या नहीं लगाया विल नहीं लगाया क्यों बात समझ पा रहे हैं तो यहाँ तो मुझे एक चीज क्लियर होती है कि हमारा अगर कोई भी जो प्लैंड एक्शन है कोई भी हमारा कैसा एक्शन है प्लैंड एक्शन है या फिर नियर फ्यूचर एक्शन है अगर आपका कोई एक्शन नियर फ्यूचर एक्शन है या फिर प्लैंड एक्शन है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा दो ही टेंस है या तो आप बनाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ठीक है या फिर आप बनाओगे प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमेशा ध्यान रखिएगा और अगर वो नियर फ्यूचर या प्लान एक्शन नहीं है तो आप उसे बना दोगे फ्यूचर के अंदर मगर अगर वो प्लान है नियर फ्यूचर है तो आप हमेशा किस में बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट डेफिनेट आपकी इच्छा है मैंने बहुत सारे आपको ये बात एग्जांपल प्रूफ करे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी मगर यहाँ पर हमें पढ़नी है देखिएगा आई डैश गो टू शिमला नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक हम कहाँ जा रहे हैं शिमला प्लान्ड है टिकट विकट सब बुक हो चुकी है अगले हफ्ते जा रहे हो ना भाई प्लान एक्शन है जब ये एक्शन आपका क्या है नियर फ्यूचर है क्या है एक्शन प्लैंड है तो जो प्लैंड भी हो और नियर फ्यूचर भी हो वो किस में लिखा जाएगा प्रेजेंट एफरेंटिन्यूस में लिखते विल गो नहीं दोनों चीजें कभी नहीं देगा कि प्रेजेंट भी प्रेजेंट कॉन्टेस्ट कभी नहीं देगा ध्यान रखिएगा एक ही देगा मैम इज बिजी राइट नाउ इट इज ओके आई डैश वेट वेथ वेट वेल वेट लिखा है अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है भाई मैम बिजी हैं आप मैम से मिलने गए और मैम क्लास के अंदर बिजी हैं तो आपने वहाँ डिसाइड करोगे कि मैम से मिलना है या नहीं मिलना अगर कल आनी होगी क्लास होगी आपकी तो आप सोचोगे कल आके मिल लेंगे और अगर आपका दोबारा रोट नहीं है तो आप वेट करके जाओगे तो आपने क्या वहाँ पर नियर फ्यूचर एक्शन है क्या आपने एक्शन को प्लान किया और जब कोई भी एक्शन आपका प्लान है तो आप फ्यूचर इन में नहीं बनाते किसमें बनाओगे प्रेजेंट एंडेफिनेट के अंदर या प्रेजेंट कॉन्टेस्ट के अंदर बट यहाँ पर बात प्लान की नहीं हो रही है तो ना ही प्रेजेंट एंडेफिनेट में बनेगा ना प्रेजेंट कॉन्टेक्स में इसलिए वेट वाला हमारा आंसर नहीं होगा विल वेट आंसर हो जाएगा आई विल या आई शेल दोनों ही सही है क्यों क्योंकि विल अगर लगाओगे तो एम्फेसाइजर है और एम्फेसाइजर का मतलब क्या पॉजिटिव वे में कि हम जरूर मिलेंगे जरूर वेट करेंगे बट अगर शेल लगाते तो मैं वेट करूंगा जैसे कि मैंने बोला आई विल गो मतलब मैं जरूर जाऊंगी और आई गो मतलब मैं जाऊंगी या आई गोइंग मतलब मैं जाऊंगी आई विल गो मतलब मैं जाऊंगी हिंदी जो मैंने आपको बताई जो आपको कहानियाँ सुनाई ये कहानियों से समझ आता है कि जरूरी नहीं है कि गा गे फ्यूचर इन डेफेस्ट मेशा लगा देंगे एग्जांपल दिया मास्टर वाला जो आपके ट्वेल्थ क्लास सी बी एस ई फ्लैमिंगो जो बुक है चैप्टर है हमारा फर्स्ट लास्ट लेसन उसमें हमने पढ़ा तो आपने देखा जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर सीखी वो हमारे एग्जाम का पार्ट है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे जो भी मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर एग्जाम नहीं आने वाला टीचर पैटर्न बेस्ड रहेगा फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है कौन सा फ्यूचर इनडेफिनेट स्क्रीन लीजिएगा उसके बाद फ्यूचर कॉन्टेंसेंस को पढ़ेंगे अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टेंसेंस जिसकी हिंदी आपने पढ़ी होगी रहा होगा रही होंगे रहे होंगे ऐसा आपको नहीं पढ़ना ये वैसे आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है अगर मैं बात करूँ डी एम आर सी के एग्ज़ाम की डी एम आर सी एग्ज़ाम मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम होता है चाहे इसमें टीओ की बात करें चाहे लोको पायलट की बात करें जो एग्जाम में आएगा उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो से कोई बच्चे डी की भी तैयारी कर रहे हूँ या एन की तैयारी कर रहे हूँ एन मतलब नोएडा जो नोएडा वाली मेट्रो रेल है उसके लिए तो एन हो चाहे डी हो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर कॉन्टेस्टेंट्स देखिएगा एक बार इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा विल होगा और शेल होगा मैंने बोला था विल और शेल मॉडल है मॉडल को हमेशा वी वन चाहिए होता है तो इसको बेस वर्ब देना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब तो आईएनजी ही रहेगी मगर एक बेस वर्ब देना है जो विल और शेल की जो मॉडल की कंडीशन है इसको फुलफिल कर दे वो होगा बी b क्या है v1 है और ये एक्चुअल में क्या है बेस वर्ब है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो b की फैमिली यहाँ पर क्या है बेस वर्ब है तो मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर v1 आ गई है ये बात समझिएगा और यहाँ पर ये यह हमने क्या लिखा है बेस वर्ब बेस वर्ब वो होते हैं या तो आपकी b फैमिली बनेगी या फिर हैव बनेगी और इसको मैं कहां पढ़ाया था जब हम बात करेंगे वर्ब बेसिक की या वर्ब एडवांस चैप्टर की और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कैसे समझेंगे टेंस है भाई और टेंस को शुरुआत करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट एंड करने के लिए चाहिए क्लियर है इतनी बात अब बात कर लेते हैं मॉडल की मॉडल में फिलोशियर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है मतलब ये फ्यूचर हो गया अब फ्यूचर अपने बाद मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है इसलिए बी लगाया बट अभी तक तो ये क्या बना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया फ्यूचर अब फ्यूचर को कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझको क्या लगाना पड़ेगा आई एम जी फॉर्म और सेंटेंस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट आए सब्जेक्ट आएगा और कई बार ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका सब्जेक्ट आए कैसे इम्पेरेटिव की बात करें झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ पानी पिलाओ खाना दो इधर आओ उधर आओ इधर बैठ जाओ उधर मत जाओ चिल्लाओ मत रो मत है ना सुनो तो ये सब क्या है जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी नहीं है जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव दफा हो जाओ है ना भाड़ में जाओ दरवाज़ा बंद कर दो तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे इम्पेरेटिव के इसलिए बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में नहीं भी आता और फिर भी सेंटेंस बनता है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे और फ्यूचर कॉन्टेस्टेंस में ध्यान रखना स्ट्रक्चर बना कैसे अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करो आपसे कोई पूछे कि आपकी इस समय आपके बॉस क्या कर रहे होंगे आपके बॉस से तो आप कोई भी डायरेक्ट मिल नहीं सकता तो आप ही हैंडल करोगे क्लाइंट को तो बोलोगे इस समय हमारे बॉस बिजी हैं कहाँ पर फलानी जगह पर ऐसे बोल दोगे सपोज करो आप घर पर हो आप घर पर हो और आपको किसी ने बताना है कि यार आपका भाई इस समय कहाँ पर होगा तो आप बताते हो ना यहाँ पर होगा क्या कर रहा होगा इस वक्त वो मेरा फोन नहीं उठा रहा तो आप क्या बोलोगे वो कोई काम कर रहा होगा तो यहाँ पर माय ब्रदर माय मदर कुछ भी लिख लो यहाँ पर है ना जो भी व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा विल और विल अपनी कंडीशन फुलफिल करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके बी हो जाएगा अब माई ब्रदर विल बी क्या कर रहा है भाई डूइंग क्या कर रहा होगा प्रोजेक्ट बना रहा होगा प्रेजेंटेशन बना रहा होगा जो भी बना रहा होगा डूइंग प्रेजेंटेशन या वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन कुछ भी कर लो तो माय ब्रदर विल बी डूइंग या प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बना रहा है या कर रहा है इस तरीके से आप बोल सकते हो या मैं बात करूं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल कि आपने पूछा फोन मिलाया घर पर और पूछा क्या कर रही है आपकी मम्मी है ना जगह नहीं है एक ही सेंटेंस या दो सेंटेंस लिखेंगे सिर्फ डी एम आर सी और एन एम आर सी बात करूँ एस एस सी के कोई भी एग्जाम मत पढ़ना भाई बैंकिंग की बात करें तो भी आपको नहीं पढ़ना ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं सी भी आ जाएगा इसी के अंदर और एफकेट का आपका पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का उसमें सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज अब बात करें जैसे कि मैंने बोला मम्मी खाना बना रही होंगी वी आर नॉट श्योर कि वो कर भी रही होंगी या नहीं बट आपके क्या है एज्यूम किया कि इस समय यार इतना वक्त हो रहा है तो यही कर रही होंगी तो क्या लिखोगे माई मदर या माई मॉम विल बी कुकिंग या फिर प्रिपेयरिंग कुछ भी लगा दो और आगे मेंशन कर दोगे फूड तो यहां पर आपने देखा माय मॉम के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया विल और मॉडल अपनी वन की फॉलो करता है जैसे कि इसको चाहिए क्या बेसवा बट फ्यूचर इंडेफिनेट की बात नहीं हो रही कॉन्टेस की बात हो रही है तो आपने क्या लगा दिया आई और कुकिंग से पूछा वर्ब से पूछा किसका रिप्लाई व्हाट है? है ना कि आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी खाना बना रही होंगी तो इसने मुझको रिप्लाई दे दिया फूड मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और आपको तो पता ही है जो वर्ब हमको हम को का रिप्लाई दे दे वो ऑब्जेक्ट होता है और वटर होम के अलावा कोई भी डब्लू एच फैमिली वर्ड जो वर्ब रिप्लाई दे दे वो एडवर्ब होता है एडवर्ब के पार्ट क्या है एडवर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच क्या फैमिली की वाई वेयर हुम हाउ ये सारे वर्ड्स नाउन भी हैं प्रोनाउन भी हैं एडजेक्टिव भी हैं एडवर्ब भी हैं कुछ केस में नाउन नहीं कुछ प्रोनाउन है तो वो सारी बातें अगर आपने नहीं पढ़ी तो बेसिक चैप्टर है। है इतनी बात ध्यान रखनी है एनडीएमआरसी का पेपर होगा या रेलवे के अंदर लोको पायलट का पेपर होता है पायलट होता है जो हवाई जहाज चलाता है लोको पायलट होता है जो ट्रेन चलाता है राइट अब देखिएगा फ्यूचर कॉन्टेस्टेंट्स के अंदर सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है बी और आई एन जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हो फ्यूचर के लिए विल और शल जानते हो बी आएगा और आई एन जी आएगा इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको बुक सॉल्व कराऊंगी अब जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम पे सजेस्ट करेंगे बुक के मैंने चार नाम बताए आपको या तो मिरर ऑफ कॉमन एरर बता दो सॉल्व कराने के लिए तो उससे हम टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं या बात करूँ केडी कैंपस वॉल्यूम वन की या प्लेन टू पैरामाउंट बुक है या बात करते हैं एस पी बख्शी की जो भी आपको लगे कि हाँ मैम इस बुक में हमें दिक्कत आती है ये बुक हमें सॉल्व करानी है तो मैं आपको क्या करूँगी उसी बुक का पीडीएफ बना के उन टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा फिर हम उसका नेक्स्ट डे वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे क्लियर है मेरी बात आगे चलेंगे बट उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीनस्टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीनस्टेंस की बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे लोग आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटेस्टेंस पढ़ाते हैं समझिएगा जो चीज़ भविष्य में होने वाली है और वो परफेक्ट भी है और कंटीन्यूस भी है परफेक्ट कॉन्टेस्ट का मतलब कोई काम आप किसी समय से कंटीन्यूस कर रहे हैं क्या आप ये बता सकते हैं कि सुबह से मैं ये काम कर रहा होऊंगा ये भविष्य की बात है हमें पता ही नहीं है कि हम सुबह से करेंगे दोपहर से करेंगे हम आगे का भविष्य नहीं बता सकते जब भविष्य नहीं बता सकते तो ये कैसे बता पाएंगे कि हम ये चीज़ कर पाएंगे अब कहोगे फ्यूचर डेफिनेट क्यों बनाते हैं अगर भविष्य की बात है फ्यूचर डेफिनेट बनता है नियर फ्यूचर प्लान एक्शन एक या दो या तीन दिन का बट जो फ्यूचर तो बता पाओगे है ना एक आइडिया तो दे पाओगे कि इतने बजे में कर लूँगा बट एग्जैक्ट आंकड़ा आप नहीं बता सकते और यहाँ पर बोल रहा है परफेक्ट भी हो और कॉन्टीन्यूस भी हो और आप चाहे बुक की बात कर लो चाहे नॉवल्स की बात कर लो चाहे न्यूज़पेपर की बात कर लो कहीं पर भी ग्रामर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्रामर है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता क्या नहीं एग्जिस्ट करता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेस्टेंस गाबर में नाम की कोई चीज है ही नहीं बहुत सारे स्पीकिंग के टीचर्स आपको ये पढ़ाएंगे बट आप जब इसको यूज भी तो होना चाहिए दो यूज चीज होती है मैं यहाँ पे नाउन की बात कर रही हूँ तो इसकी स्पेलिंग होगी यूसेज अब इसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होता जब यूजेस वालूंगी ना तो एस है इसका मतलब ये वर्ब है और ये नाउन है दोनों की हिंदी है इसका मतलब इस्तेमाल करना इसका मतलब इस्तेमाल होना अब भाई इस्तेमाल ही नहीं होता चाहे आप नावल को पढ़ो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वहाँ पर कहीं पर भी आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता बात करेंगे नॉवल्स की चेतन भगत की आप नावल पढ़ते होंगे या फिर आप किसी और की भी जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप कभी भी देखेंगे जब आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता मैं बात करती हूँ एन की जो सी बोर्ड है दिल्ली के बच्चे या यूपी बोर्ड है या झारखंड बोर्ड है या अदर बोर्ड्स जो भी स्टेट बोर्ड जिसको बोलते हैं वहाँ पर भी हमको इस टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता इसका मतलब ये प्रूफ है हैज प्रूव्ड है कि ये हमारा ग्रामर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जब ग्रामर में बना ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे क्लियर है मेरी बात और बन भी नहीं सकता आगे चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ फ्यूचर भी हो और परफेक्ट भी हो रटना नहीं है स्ट्रक्चर बनाना सीखना है कैसे देखिएगा एक बार भाई जब कोई भी सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए ऐसा मान के चलता है बेसिक में हमने यही पढ़ा है ना तो हम क्या कहेंगे अभी हमने इंपेरेटिव नहीं पढ़ा तो मैं लिख दूंगी सब्जेक्ट चाहिए अब सब्जेक्ट तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फ्यूचर बोल रहा है तो या तो तुम लगा दो भाई विल या लगा दो शेल मगर देखो ये मुझे बोल रहा है फ्यूचर में तभी मानूंगा जब मुझको दोगे परफेक्ट मगर फ्यूचर जब कंफर्म होता है तो मॉडल की बात करते वो तो वी वन लेता है और मुझको तो परफेक्ट के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी तो अगर मैं यहाँ बी लगा दूं तो वी वन तो खुश हो गया विल भी खुश हो गया मुझे वी वन मिला शल भी खुश हो गया मुझे वी वन मिला मगर बी अपने बाद थर्ड फॉर्म बनाने से पैसिव बना देगा और मुझे इसको एक्टिव वॉइस की कंडीशन में लेके जाना है तो कभी भी बी नहीं लगा सकती क्योंकि परफेक्ट अपने बाद V3 लेता है और फ्यूचर अपने बाद वी लेता है तो कोई ऐसी वर्ब यहाँ बिठाने पड़ेगी जो फ्यूचर को भी सेटिस्फाई करे परफेक्ट को भी सेटिस्फाई करे उसके लिए मेरा स्ट्रक्चर होगा हैव क्योंकि हाँ हैव वी वन जो विल के अकॉर्डिंग भी ठीक है शल के अकॉर्डिंग भी ठीक है और हैव हाँ अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है तो यहां तक तो बन गया फ्यूचर और वर्ब थर्ड लगाने से बन गया परफेक्ट और एंड कर दोगे से आप ये है जो आपको आना चाहिए बन कैसे रहा है चीजें समझनी कैसी है बेस वर्ब काम कैसा करता है उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो बेसिक चैप्टर वो एडवांस चैप्टर को देखिएगा आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी अब पेपर यहाँ से नहीं बनेगा पेपर बनेगा कहां से उसको देखना है तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है दो एक्शन कंप्लीट होंगे एक सेकंड एक्शन कंप्लीट होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगा और दूसरा एक्शन कंप्लीट जो होगा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा जीरो कंडीशन बोल सकते हो इसको ठीक है कैसे समझेंगे ये वही चीज है फ्यूचर परफेक्ट अगर मैं बताऊं तो पास्ट परफेक्ट में पड़ा था पढ़ा था पास परफेक्ट में होता क्या है पास परफेक्ट अगर जानना है तो पास परफेक्ट को देख लेना बट मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहां पर क्योंकि मुझको क्या पढ़ाना है फ्यूचर परफेक्ट जो पास्ट भी हो और यहां पर भी पास्ट हो पास्ट से भी पहले वाला जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट अर्लियर पास्ट कहलाता है जैसे मैंने बोला मेरे पहुंचने से पहले लकी वहां से जा चुका था या मेरे पार्टी में पहुंचने से पहले लकी गया अब मैं पहले पहुंची या लकी गया डेफिनेटली लकी गया तो लकी मेरे से मैं भी पार्टी में पहुंची थी और लकी भी पार्टी में पहुंचा था दोनों ही पास्ट है मगर पहले किसका काम कंप्लीट हुआ लकी चला गया तो वो आगे पास्ट और मेरे को कन्फर्म है कि लकी के जाने के बाद मैं पहुंची हूँ इसलिए पास्ट इंडेफिनेट एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ जैसे मैंने बोला पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया पुलिस के आने से पहले चोर भागा है अब पुलिस भी आई पास्ट है भाई चोर भी भागा पास्ट है बट पहले पुलिस आई ये चोर भागा हर केस में आप जानते हैं प्रैक्टिकली कि पहले चोर भाग जाता तब पुलिस आती है तो चोर भाग गया किस में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में अर्लियर पास्ट और पुलिस बाद में आई कन्फर्म में जो काम पास्ट में हुआ था और कन्फर्म हो कब हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाता है इसे पुलिस का आना किस में लिखोगे पास्ट इंडेफिनेट एक एग्जाम्पल और लेते हैं शिप डूबा और फिर रस की बचाने के लिए पहुंची तो पहले कोई घटना घटेगी तभी तो कोई बचाने के लिए पहुंचेगा तो शिव का डूबना यहां पर अगले पास्ट हो गया और रेस्क्यू टीम का पहुंचना पास्ट इंडेफिनेट हो गया क्योंकि कंफर्म है रेस्क्यू टीम तो पहुंची है मगर कब पहुंची जब शिप डूब गया जहाज डूब गया क्लियर है यहां तक अगर समझ आया तो यही कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई हो रहा है फ्यूचर में बस वो पास्ट था यहां फ्यूचर है यहां भी दो चीजें भविष्य की होंगी बट एक भविष्य प्रेजेंट में हो चुका होगा क्योंकि हमारा दिखने में प्रेजेंट है बट है फ्यूचर मन की आंखों से देखना है दिखने में प्रेजेंट है बट बात हो रही है फ्यूचर की मैंने बोला ना नए मास्टर आएंगे बट विल नहीं आएगा है, है में, भविष्य में होने वाला है क्लियर अब आगे देखेंगे देव रीच्ड वो पहुंच चुके होंगे बिफोर आई विल रीच मेरे पहुंचने से पहले मेरे पहुंचने से पहले कौन पहुंचेगे वो पहुंचेंगे मेरे पहुंचने से पहले कौन पहुंच जाएंगे वो पहुंचेंगे मतलब ये क्या है पहले काम होगा पहले काम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया देखो विल भी आया हैव हाँ भी आया वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई और मैं कब पहुंचूंगी बाद में मतलब क्या हो जाएगा आई रीच आई विल रीच नहीं होगा क्योंकि ये प्लान एक्शन है है ना कि हम दोनों साथ साथ निकले बट यार मेरे से पहले वो पहुंच जाएगी ऐसा होता है कई बार हम दो अलग अलग व्हीकल से जा रहे होते हैं तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि वो पहले पहुंच जाएंगे और हम बाद में पहुंचेंगे पहले काम होगा वो पहुंचेंगे इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में बाद में हम पहुंचेंगे इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात फ्यूचर की ही हो रही है फ्यूचर है ना नियर फ्यूचर की बात हो रही है देखो रटना नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट इसलिए क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं नियर फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस भी आ सकता था बिल्कुल आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहाँ पर बट वो सिर्फ प्लान एक्शन में आएगा तो रीच या आई एम रीचिंग बोथ था करेक्ट आगे देखिए शी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर माय मॉम रीच मेरी मॉम के पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी होगी भाई मॉम के पहुंचने से पहले खाना बन चुका होगा कौन शी ने बनाया होगा तो विल है है, की थर्ड फॉर्म है ना तो इस पार्ट में गलती ना तो इस पार्ट में गलती अब बोल रहे हो ये भी ठीक है कि भाई प्रेजेंट एफेक्ट में लिखा है तो आप नो आरत करोगे बट यहाँ पर, पर ना धोखा दिया गया है क्यों क्योंकि हमको पता है हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एसिया ई एस वर्ब लेता है यहाँ पर ये यह जो मै मॉम है ना मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है बात हो रही है तीसरे व्यक्ति की और तीसरा व्यक्ति कैसा है सिंगुलर है है ना ना मेरी बात हो रही ना आपकी तो जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कब बनती है जब एसिया ई एस आता है इसका मतलब रीच नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रीचेस हो जाएगा है ना तो यहां पर नो no एरर नहीं इस पार्ट में क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी तो यहाँ पर आपने देखी चीजें कि हमने फ्यूचर कंप्लीट कर लिया अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आ गया होगा कि यार आज तो पास्ट भी कंप्लीट हो गया फ्यूचर भी कंप्लीट हो गया तो टेंस कंप्लीट हो गया नहीं जैसे कि मैंने आपसे कहा था टेंस कंप्लीट नहीं हो सकता अभी क्योंकि अभी हमारा रहता है मैंने ना एक आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं कहते प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अलग होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस अलग होता है अब अलग कैसे होता है ये नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किए ना ही प्रेजेंट पढ़ाते वक्त जब प्रेजेंट के चार पढ़ाए ना ही पास्ट पढ़ाते वक्त पास्ट के भी चार पढ़ाए और फ्यूचर के अंदर दो कट गए तो दो ही रह गए मतलब टोटल तो बारह ही है क्योंकि पैसेव वाइज में कही कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होगा इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है पैसेव में मैं लिखवाऊंगी भी और पैसेव में बनाने को भी कहता है बट ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता आपको मैंने रूल बनाना भी सीखा है कि फॉर्मेशन कैसे होता है रूल्स कैसे बनाए जाते हैं रटने वाली कोई बात नहीं है चीजों को समझोगे एक एक चीज क्लियर होगी अब आपका काम क्या है आज भी नोट्स बनाओगे इसके कॉपी में उतारोगे एक एक बात लिखोगे अगर फिर भी कुछ भी समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा जर्म क्वेश्चन जो होंगे स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग रिप्लाई नहीं दूंगी जो आपका जनवन डाउट होगा आप वो मुझसे पूछेगा डेफिनेटली विद इन फोर्टी एट आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा कम से कम दो दिन का वेट कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं समय नहीं मिल पाता है इतना क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ ऑनलाइन भी लेती हूँ यूट्यूब पर भी पढ़ाती हूँ तो आई डोंट हैव मच मोर टाइम कि मैं आपका डाउट हैंड टू हैंड क्लियर कर पाऊँ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे आप और टेंस के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशन सेंटेंस और क्वेश्चन टैग और फिर उसके बाद वह बेसिक वह एडवांस फिर टेंसेस फिर कंडीशन सेंटेंस और क्वेश्चन टैग मिलकर एक प्रैक्टिस कराऊंगी मिसलेनियस क्वेश्चंस की और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्री में आए होंगे 1997 से एसएससी ने पेपर लेना शुरू किया था 2019 का लास्ट एग्जाम हुआ है अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं अपना 2020 सीजन का एग्जाम या एस के आने वाला कोई भी एग्जाम तो मेरे रिक्वेस्ट आपसे ये चैनल पे जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है अगर आपका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है साढ़े तीन सौ नंबर की इंग्लिश सात सौ में से आती है मतलब फिफ्टी परसेंट रोल इंग्लिश का है और इंग्लिश के बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता तो आपको करना क्या है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक like कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में